हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, जो कि आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होने जा रहा है डिटर्मिनेंट का। सो बच्चों देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट है, पहला टॉपिक है कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। पहला टॉपिक क्या है? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन, यानी कि जिस सिस्टम को सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं है उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर अ सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब बच्चों ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन नहीं है का क्या मतलब होता है, उसको हम लोग देखते हैं। अब ऐसे समझो, मान लो हमारे पास है सॉल्यूशन, पहले देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद इस टॉपिक में फिर से आएंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखो बच्चों क्या होता है इसमें, इस टॉपिक में क्या कवर होने वाला है। यहां पे आपके पास तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई सी वन जेड इक्व टू डी वन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स दिए हुए, तो तीन इक्वेशन चाहिए। यहां पे एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन है ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड इक्व टू डी टू, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्व टू डी थ्री, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, सिंस तीन इक्वेशंस हैं इन थ्री वेरिएबल्स है तो इसकी सॉल्यूशंस आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। बट ये बोलता है, अब हम देखते टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, हम यहाँ पे करते क्या है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए। ए किसका बनाते हैं मैट्रिक्स? जितने भी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है उसका बनाते हैं। तो फर्स्ट रो इससे तैयार करेंगे हम लोग, ए वन बी वन सी वन। सेकेंड रो होगा इससे तैयार होगा ए टू बी टू सी टू। थर्ड रो इससे तैयार होगा ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री। अब x तैयार करेंगे, x क्या होता है, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x y z की, ठीक है। और एक तैयार करेंगे b मैट्रिक्स, जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, जो ये कॉन्स्टेंट है ना उसका बनेगा कॉलम मैट्रिक्स, d1 d2 d3। अब देखो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या लगना है, कैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम, इस x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर आप a को x से मल्टीप्लाई कर दो, a को x से मल्टीप्लाई कर दो और b के इक्वल कर दो, तो ये सारे तीनों इक्वेशन मिल जाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते थे याद है? इसको बॉक्स में डाला, जस्ट मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, इसको बॉक्स में डाला, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड, तीनों को प्लस करते हैं आ गया ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड। और इसको d1 के इक्वल करेंगे b के इक्वल, यानी कि d1 के इक्वल, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। फिर सेकेंड वाले को इससे करेंगे और d के इक्वल करेंगे तो ये मिल जाएगा। इनडायरेक्टली आपको मैंने जो बताया वही मिलेगा, a को x से मल्टीप्लाई करके b के इक्वल करोगे तो ये सारे तीनों इक्वेशंस मिल जाएंगे आपको। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a इनवर्स से इस इक्वेशन को a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइड करेंगे, आगे की तरफ रखेंगे तो यहां पे भी हमें आगे की तरफ ही रखना होगा।
फ्रंट पे रखेंगे प्री मल्टीप्लाइड, इसको क्या बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइड। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये ऑर्डर मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो ऑर्डर बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। सो इसमें प्री मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपके पास एक फॉर्मूला है ए इनवर्स इंटू ए, ये होता है हा आई, तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो ये फाइनली बनेगा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। आई एक्स किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ अकर होता है। सो यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी, ओनली एक्स, आई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स मैट्रिक्स ही आएगी। ये हो गया ए इनवर्स इंटू बी, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, ए इनवर्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे निकालते थे, ए इनवर्स निकालते थे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। इस वाले वैल्यू को सिर्फ b से मल्टीप्लाई करना है, आई गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस पे और इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लेंदी है नहीं ये। हाँ बस प्रोसेस में करना है आपको क्वेश्चन को, फिर अभी इस टॉपिक पर हम लोग आएंगे जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो फिर इस टॉपिक पर हम लोग आएंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगना है। हमें सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस जो है। अभी टू वेरिएबल में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, टू वाई इक्वल्स टू फोर, सेवन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव। बच्चों जो अभी कॉन्सेप्ट हमने देखा उससे बेस्ड नीचे के सेवन से लेकर फोर्टीन तक के क्वेश्चन है, तो पहले हम इस वाले को देखेंगे, फिर कंसिस्टेंसी वाले ऊपर के सिक्स क्वेश्चन है उसको कंसिस्टेंसी वाले जब वो कॉन्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद हम उस वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। सो इसमें बोला क्या है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें करना क्या है, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है ए, ए क्या आएगा फाइव टू सेवन थ्री। एक मैट्रिक्स लेंगे एक्स, इसको कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स वाई का, और एक मैट्रिक्स लेंगे बी, बी होगा फोर फाइव, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू होती है a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स निकालने के लिए हमें निकालना होगा एडजॉइंट। a इनवर्स कैसे निकलता है, a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं ना। तो बच्चों देखो 2 बाई 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी है, कुछ नहीं होना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये हो गया थ्री फाइव, और ये नंबर एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ माइनस साइन डालेंगे यानी साइन अपोजिट कर देंगे। डेट ए निकाल लो 15 माइनस 14 डेट इज 1, आ गया हमारा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स आ गया तो एक्स की वैल्यू देखो क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स कितना आया था 3 माइनस 2 माइनस 7 इंटू एंड 5, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 से, नीचे 1 था कोई फर्क नहीं पड़ता हटा दो। सो अब कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको पता है, इसको बॉक्स को बॉक्स में डालो, इसको बॉक्स में डालो, ये क्या बनेगा 12 माइनस 10 2 हो जाएगा 12 माइनस 10, चलो एक लाइन लिख लेते हैं। अब फिर सेकेंड वाले को डालो माइनस 28 अब प्लस 25, तो ये फाइनली क्या बना, x था हमारा एक्स वाई इक्वल्स टू बन गया कितना, ये 2 हो गया ये माइनस 3 हो गया, तो x की वैल्यू होगी 2, इससे इसको इक्वेट करेंगे एंड y की वैल्यू होगी माइनस 3, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू
3 है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सेम प्रोसेस, यहां पे आपको एक ए बनाना है मैट्रिक्स, किसका बनाओगे, इसके कोएफिशिएंट का, -1, 3, 4। बी बनाओगे कॉलम मैट्रिक्स -2 और 3 का, जो कांस्टेंट नंबर है इधर। एक बनाएंगे एक्स, ये भी बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, जो वेरिएबल है हमारा उसका बनता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब ए इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये फॉर्मूला है। इसको फर्दर हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। फर्दर ये आ गया हमारे पास, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसको इसको एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे 4, 2, इसमें साइन को से साइन रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3। यानी कि बोल सकते हैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन रिवर्स कर दो या माइनस से मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है। ठीक है, ए इनवर्स आ गया, अडेट ए निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 8 + 3, दैट इज 11 आ रहा है। सो अगर आप यहां पे देखने जाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डेट a इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ a आपने निकाला है ये 4, 1, -3, 2, डेट आया था 11 और b तो आपको पता है -2 और 3। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में इसको भी करेंगे, तो ये कितना हो गया बच्चों, -8 + 3, -8 + 3 ये हो गया 6 + 6। अब सेकेंड रुको करेंगे ना, सेकेंड वाले को भी तो करेंगे, अपॉन 11, तो ये हो गया 8 + 3। सो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, x y की वैल्यू हो जाएगी दिस, ये कितना हो गया -5 और ये हो गया 12, इसको डिवाइड कर दो 11 से, तो ये हो जाएगा -5/11 और 12/11। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/11 और y की वैल्यू हो जाएगी 12/11, ये हो गया आंसर। नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें सॉल्यूशन बोला है निकालने को, x y की वैल्यू निकालने यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, सेम प्रोसेस, a हम पहले बनाएंगे, किसका बनाएंगे, कोएफिशिएंट का -3, 3 और -5 का। ठीक है, फिर बनाएंगे b बनाएंगे इसका कॉलम मैट्रिक्स 3, 7, देन x बनाएंगे x y। अब इसका निकालेंगे हम एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलता है आपको पता हो गया होगा कैसे निकलता है, इसको इंटरचेंज करेंगे -5, 4, इसमें साइन चेंज कर देंगे, ये 3 हो गया, ये -3 हो गया। और डेट ए निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 × -5, माइनस साइन देके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 3 × -3, तो ये हो गया -20 + 9, डैट इज -11, ये हो गया। अब निकाल लेते हैं ए इनवर्स, एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी, जब एडजॉइंट को हम इससे डिवाइड करेंगे ए इनवर्स मिल जाएगा, तो सीधा हम डिवाइड कर देते हैं इसको, -5 - 3, 3, 4, इसको जब हम बी से, बी गया था 3, 7, इससे जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे है -11, होता है ना एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आंसर मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस वाले को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया ये -15 + 21, फिर इस वाले रो को
इस वाले कॉलम से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस नाइन प्लस 28 डिवाइडेड बाय माइनस 11. सो दिस इज ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया 21 माइनस 15 डेट इज 6, 28 माइनस 9 डेट इज 19 अपॉन 11. तो अलग अलग डिवाइड करते हैं 6 बाय 11, 19 बाय 11. तो ध्यान से देखो क्या आया आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी, इससे इक्वेट करेंगे x की वैल्यू आएगी 6 बाय 11 और y की वैल्यू आ जाएगी 19 बाय 11. ये हो गया आंसर बच्चों, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, इसमें एक थ्री क्वेश्चन दे रखे एक्स वाई जेड में, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए करेंगे क्या, सेम मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे. यहाँ पे एक ए बनाएंगे, ए किसका बनाते हैं, जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होता है उसका बनाते हैं. तो ये टू हो गया, वन हो गया, वन हो गया, यहाँ पे हो गया वन माइनस टू माइनस वन. यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो उसको हम जीरो लेट करेंगे. और ये हो गया थ्री, इसको हो गया माइनस फाइव. अब बनाएंगे बी, बी किसका बनाते थे, इस कॉलम, इसका कॉलम मैट्रिक्स, कॉन्स्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स. और इसके बाद बनाएंगे एक्स, वो होगा एक्स वाई जेड. समझ में आया बच्चों ये. अब देखो ध्यान से, हमें इसका इन्वर्स निकालने के लिए, हमें ए का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइन निकालना होगा, एडजॉइन के लिए कोफैक्टर्स निकालने होंगे. तो सारे कोफैक्टर्स हम निकालेंगे इसके, ए वन वन, ए वन टू, पहले निकालेंगे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री. अब देखो बच्चों कैसे निकालते हैं इसको, ये रो कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो ये हो गया टेन प्लस थ्री, थर्टीन हो गया. ये पहले माइनस निकालेंगे, साइन बाद में चेंज करेंगे. फिर इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया माइनस फाइव, ये जीरो हो गया, तो माइनस फाइव हो गया. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया थ्री, ये थ्री हो गया. सेकेंड रो के लिए देखो, ये कैंसिल, माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस एट. इसके लिए ये कैंसिल, माइनस टेन, जीरो, माइनस टेन. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सिक्स, सिक्स. इसके लिए ये कैंसिल, माइनस वन प्लस टू, डैट इज वन. इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस टू, माइनस वन, माइनस थ्री. इसके लिए ये कैंसिल, माइनस फोर, माइनस वन, माइनस फाइव. अब साइन कहाँ चेंज होता है, साइन डायमंड कट पे चेंज होता है. तो ये हो गया प्लस 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 माइनस. ठीक है बच्चों, इतना क्लियर. अब देखो ये निकल गया हमारा एडजॉइंट, तो हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए, चलो बच्चों यहाँ पर निकाल लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा इसका ट्रांसपोज, यानी कि 13, ये 5 कॉलम बना दिया, ये 3 हो गया, ये 8 यहाँ पे आएगा, माइनस 10 एंड दिस इज माइनस 6, देयर विल बी 1, 3 एंड माइनस 5. अब डेट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 26, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3. तो ये कितना हो गया, ये 31, 34 हो गया. डेट की वैल्यू आई 34. अब देखो बच्चों, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स इंटू बी. ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, इधर x क्या लिखेंगे हम, x y z, इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे. ए इनवर्स कैसे निकलेगा, इसको हम डेट ए से डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो मिल जाएगा हमारा ए इनवर्स, ये हो गया 13, 8, 1, 5 माइनस 10 एंड 3, 3 माइनस 6 माइनस 5. अब बी कितना था हमारा, इधर बी था 1, 3 बाई 2, 9 डिवाइडेड बाय 34. अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 13, 8 इंटू 3 बाई 2,
यानी 8 का डेढ़ गुना, डेढ़ गुना कितना हो गया 12 हो गया, या फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, इससे 2 से डिवाइड करोगे 4 होगा, 4 3 12 और इसका इसके साथ प्लस 9, ये सब प्लस होता है, फिर इसका 5, 10 का हाफ करोगे -5 -15 हो जाएगा 27, कैलकुलेट करना है 3, ये हो जाएगा 2 3 हो जाएगा 3 -9 और दिस विल बी -45 डिवाइडेड बाय 34, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये हो गया 34 हो गया, ये 34 हो गया, 27 में से अगर 15 माइनस करोगे तो आएगा 12 12 प्लस 5 इज 17 एंड 3 माइनस करोगे 6 हो जाएगा, ये हो गया -51। इसको जब 34 से डिवाइड करेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा, इधर x y z था, तो x y z की वैल्यू क्या निकलेगी, 34 को 34 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 34 को 17 को 34 से डिवाइड करोगे 1/2 होगा, एंड 51 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा 17 से दोनों कट होगा, 17 2 जा 17 3 जा -3/2, तो ये हो गई x की वैल्यू, x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 1, y इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल टू -3/2, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हुआ है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ ये दिया हुआ है, इसमें भी हमें सेम प्रोसेस a निकालना है, a कैसे निकालेंगे, डेट बनाएंगे 1 -1 1 2 1 -3, कोएफिशिएंट का बनाएंगे 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे बनाएंगे x, x बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स x y z का, और एक बनाएंगे b, b किसका बनता है, जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है 4 2 0 2 का, इज दैट क्लियर। अब देखो बच्चों, अब हमें इसका निकालना है इनवर्स, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए निकालना पड़ेगा कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर लिखते हैं इसका a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, फिर a निकालेंगे 3 1 a32 a33। अब ध्यान से देखो, इस 1 के लिए क्या निकालो, कैसे निकालेंगे, ये कैंसिल 1 प्लस 3 4 हो गया, इसके लिए ये कैंसिल 2 प्लस 3 5, ये कैंसिल 2 माइनस 1 डेट इज 1, फिर इसके लिए ये कैंसिल -1 -1 -2, इसके लिए ये कैंसिल 1 माइनस 1 0, इसके लिए ये कैंसिल 1 प्लस 1 2, इसके लिए ये कैंसिल 3 माइनस 1 2, ये कैंसिल -3 -2 -5, ये कैंसिल 1 प्लस 2 3। अब साइन कहाँ चेक करें, चेंज करेंगे डायमंड कट, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, ये हो गया हमारा कोफैक्टर्स। अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट, डेट ए निकालेंगे, डेट ए कैसे निकाल, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है a11 कैपिटल a11, स्मॉल a12 कैपिटल a12, स्मॉल a13 कैपिटल 13। तो ये देखो बच्चों कैसे हुआ है, ये इसको हमने बेसिकली इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4, इसको इससे कर दिया तो प्लस का 5 हो गया, इसको इससे कर देंगे प्लस का 1 हो गया, तो ये हो गया फाइनली 10 हो गया। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसको कैसे निकालेंगे, इसका कॉलम बना देते हैं 4 -5 1, फिर इसका कॉलम बना दो 2 0 -2 2 5 3 2 5 3, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब निकालते हैं x की वैल्यू a inverse into b, x इक्वल टू a इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट को जब डेट a से डिवाइड कर देंगे 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 को जब हम डेट
डेट कितना था 10 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी आई थी 402, 402. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इस वाले को पहले रो में डालेंगे, इसको हम कॉलम में डालेंगे, ठीक है. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x y z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 0, 4, 20 हो जाएगा. ऐड करते हैं, माइनस 20 प्लस 10 इज माइनस 10, 4, 0, 6, 10. अब फाइनली इसको हमें डिवाइड करना है 10 से, क्योंकि नीचे 10 था, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 1. ये हो गई x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y इज माइनस 1 एंड z इज 1. ये हो गया इसका आंसर. तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस फॉलो करते हैं. पहले हम a बनाएंगे, a किसका बनाएंगे, इसके कोएफिशिएंट का 3, 3, 1 माइनस 2, 1, 3 माइनस 1, माइनस 2. एक बनाएंगे x, x किसका बनाएंगे, x y z का. फिर बनाएंगे b, b किसका बनाएंगे, 5 माइनस 4, 3 का. ये तीन हो गए. अब निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स निकालेंगे, सेम प्रोसेस, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. अब बच्चों देखो कैसे निकालते हैं इसको, सेम ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये प्लस का 4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, 5 हो जाएगा. इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2, -3, -5. इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1, +6, 5. इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -6, +3, -3. इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -4, -9, -4, -9 इज -13. इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2, -9, -11. ठीक है बच्चों, इसके लिए देख लेते हैं एक बार, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -4, -9, -13. ठीक है, इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3, +6, 9. इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2, -3, 2, -3 इज -1. इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -4, -3, -7. इसके लिए एक बच्चे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2, -3, -1. साइन चेंज करना है, ये हो गया हमारा प्लस. अब डेट ए निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों, इसको इसके साथ 10, 15, +15, that is 40, 40 हुआ. अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इसको कॉलम बना लेते हैं, 5, 5, 5. इसको सेकेंड कॉलम 3, -13, 11. इसको थर्ड कॉलम, इसको 9, 1, -7. ये हो गया हमारा एडजॉइंट. अब निकालते हैं x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x y z. a इनवर्स कैसे निकालेंगे, 5, 3, 9, 5 -13, 1, 5, 11, -7 को हम डिवाइड करेंगे 40 से, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे b से. b क्या था हमारा, 5, -4 एंड 3. अब मल्टीप्लाई करना है, पता है कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको रो में डालो, इसको कॉलम में डाल दो ऐसे बॉक्स में. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया ये, 25 -12 +27. फिर सेकेंड वाले को करना है, इसको करेंगे इससे, 25 13 4 जा 52
एंड दिस इज प्लस थ्री। फिर थर्ड वाले को करेंगे 25 माइनस 44 माइनस 21, इन सब को डिवाइड करेंगे 40 से, वो होगा हमारा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब बच्चों देखो ध्यान से, इसको सम अप करते हैं, 27 में से 12 गया 15, 15 प्लस 25 इक्वल टू हो गया 40, ये 40 हो गया, ये हो गया 55, ये दोनों मिलकर 55, 5 और 60 80, ये हो गया 80। अगर ये 21 इसमें से माइनस करेंगे 4 हो गया, 4 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 40 हो गया, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई 40। जब इस 40 से इसको डिवाइड, सबको डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 1, तो एक्स वाई जेड ये जो मैट्रिक्स बनेगा ना, देखो बच्चों क्या बनेगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस 1 हो गया। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगा, उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। पहले हम बनाएंगे ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, इसके कोएफिशिएंट का 2, 3, 4, माइनस 5, फिर 2 होगा, माइनस 1 होगा, वाई के साथ माइनस 1 है, ये 3 हो गया। अब एक बनाएंगे एक्स मैट्रिक्स, जो कि होता है कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, जो हमारा वेरिएबल है एक्स वाई जेड का बनता है। एक बनता है बी मैट्रिक्स, जो कि कॉलम मैट्रिक्स होता है वो इसका बनता है कॉन्स्टेंट का, माइनस 5 माइनस प्लस 12, ठीक है। अब लिखते हैं हम कोफैक्टर्स, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये हुआ। अब देखो बच्चों इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं हम सारे, इस वाले वन का कैसे निकालेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 माइनस 5 इज 7, इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 माइनस प्लस 10 19, इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11, फिर इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 डैट इज माइनस 1, इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 इज 1, एंड इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 माइनस 8 इज माइनस 3, ये कैंसिल, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, इसके लिए ये कैंसिल, 4 प्लस 3 7, ठीक है बच्चों, ये कैंसिल होगा, इसके लिए चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल, ये प्लस 5 माइनस 8 3 हो गया माइनस का, इसके लिए ये कैंसिल, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, माइनस 5 माइनस 8, इसके लिए 4 प्लस 3 7, ठीक है बच्चों। अब साइन चेंज कर देते हैं, साइन क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये हो गया हमारे एडजॉइंट। अब निकालते हैं ए डेट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, ये प्लस का 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 22, तो ये माइनस का 3 हो गया, ये फाइनली बन गया 4, ठीक है। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे बच्चों, इस रो को कॉलम बना दो, 7 माइनस 19 माइनस 11, फिर सेकेंड वाले को 1 माइनस 1 माइनस 1, थर्ड वाले को माइनस 3 11 और 7, ऐसे हमने बना दिया एडजॉइंट। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है x की वैल्यू, फॉर्मूला ये होता है a इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a कितना था हमारा 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7, इसको डेट ए से डिवाइड करो, डेट ए कितना है 4 है, और बी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी कितना है हमारा
सेवन माइनस फाइव और ट्वेल्व। ठीक है बच्चों, अब करेंगे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रो इस वाले कॉलम को बॉक्स में डालते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, सेवन सेवन जा 49 माइनस फाइव माइनस 36। ठीक है बच्चों, सिमिलरली सेकेंड वाले रो को हम बॉक्स में डालते हैं इसको, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 19 सेवन जा क्या होता है 133 होता है, 133 माइनस का हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 5 होगा, और 11 ये हो जाएगा 132 होता है। ठीक है बच्चों, अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 सेवन जा माइनस 77 प्लस का 5 बारह सत्य 84 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें से 5 माइनस करोगे 45 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ये होगा 36 प्लस 5 कितना हो गया 41 जब इसमें से माइनस होगा तो होगा ये 8, ये माइनस होगा तो माइनस 1 हो गया, और ये हो गया 4। 84 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 37, 7 प्लस 5 इज 12। अब इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड। अब जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये हो गया 2 1 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, ये हो गया हमारा आंसर।